अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। जब कभी भी आपका दिल करता है ना चस्का लगाने को, तो फिर ये है कि आपका दिल नहीं करता कुछ इतनी हैवी सी डिश बनाई जाए, तो हल्का सा रैप अगर बन जाए और वो फिलिंग भी हो तो और क्या चाहिए। तो ये चिकन जो है आप इसको बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं और फ्रिज में भी रख सकते हैं, और जब भी कभी आपका दिल करे फ्रीजर्स में से निकाला, इसको डिफ्रॉस्ट किया, हीट अप किया और रैप में डालकर आप इसको इंजॉय कर सकते हैं, खुद भी खाएँ और बच्चों को भी बनाकर खिलाएँ। तो इसकी रेसिपी काफी इजी है, चलिए अब इसको बनाना शुरू करते हैं। अब हम इसको इतनी देर तक पकाएंगे जितनी देर तक ना इसका पानी जो है वो अच्छी तरह से ड्राई नहीं हो जाता, मीन्स के चिकन भी साथ साथ अच्छी तरह से कुक हो जाएगा और पानी भी ड्राई हो जाएगा, फिर हम इसको उतार कर रैप्स के अंदर लगाएंगे। अब हम रोटी लेंगे, ये मैंने घर में बनाई है, काफ़ी सॉफ्ट बनी है, और अगर आप चाहें तो बाजार से भी जो बने बनाए रैप्स मिलते हैं वो ला सकते हैं। और अब हम इसके ऊपर जो है ना वो जो सॉस बनाई है उसको लगाएंगे। ये बड़ी मज़ेदार सॉस बनी है, आप इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो ये हो गई सॉस, और इसके ऊपर अब हम थोड़ा सा सैलेड डाल लेंगे। तो आप चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा सैलड डाल सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा डालें, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा सैलड जो है ना वो मज़ा दे। और अब इसके अंदर चला जाएगा चिकन जो हमने तैयार किया था, मज़ेदार सा, और ये बन गया है। अब हमारा आधा रैप बन चुका है और अब हम इसको रैप करेंगे, जिसकी वजह से इसका नाम रैप है। इंतहाई मज़ेदार एंड आई एम श्योर आप सब लाइक करेंगे, इसको ज़रूर बनाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।